इस वक्त हमारे साथ एनसीपी नेता सोनिया दुहान है। सोनिया दुहान वही महिला है जिन्होंने जब साल 2019 में बगावत हुई थी पहली बार एनसीपी में, तब विधायकों को वापस शरद पवार के पास लाने में सोनिया दुहान ने अहम भूमिका निभाई है। सोनिया दुहान जी, एक बार फिर से उसी तरीके की परिस्थिति में आप अपने आप को पा रही हैं, क्या आपको लगता है कि फिर से विधायक जो दूसरे खेमे में गए हैं वो फिर से वापसी करेंगे? देखिए, तब भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, क्योंकि जिन पवार साहब के साथ के अंडर मैं काम करती हूँ, वो उन्होंने ये सिचुएशन पहली बार उनके सामने नहीं आई है। पहले भी कई बार ऐसी सिचुएशंस को फेस कर चुके हैं, चाहे वो 2019 हो, 1980 हो और बीच में एक दो बार हो, तो ये पहली बार नहीं हुआ है और उन्होंने हमेशा जीत पाई है। इस बार भी हम ही जीत पाएंगे। और रही बात इस चीज़ की कि मैं नहीं, ये पवार साहब की स्ट्रेंथ थी 2019 में भी कि हमने वो काम किया, और अभी भी अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। सोनिया जी, कल शरद पवार साहब ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, आप भी उसमें चुके शामिल होंगी, क्या कुछ आगे का एजेंडा तय किया गया है, पार्टी अब आगे किस तरीके से काम करेगी? देखिए, ये कल कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हम करने जा रहे हैं, कुछ बड़े डिसीजंस हम कल वर्किंग कमेटी में लेने जा रहे हैं, तो वो आप लोगों को कल आई एस मीटिंग अटेंड होने के बाद इन्फॉर्म किया जाएगा। विधायकों की अगर बात करें तो नंबर गेम के लिहाज से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, अजीत पवार या शरद पवार? आप देखिए, कौन कितना पावरफुल है ये कहने भर से नहीं हो जाता है कि मेरे पास इतना है, मेरे पास उतना है। अगर किसी के पास उतना है तो दिखाए, बोलने भर से नहीं हो जाता है। हाथी के दांतों को दिखाने और खाने के अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही अभी हाथी के दांत बोलने से दिखाने से कुछ नहीं होता है, खाने वाले दांत दिखाएं लोग। सोनिया जी, दूसरी बार बगावत हुई है, क्या कुछ कमी रह गई, आप शरद पवार साहब अपने नेताओं से को उस तरीके से मना नहीं पाए, क्योंकि 2019 में बगावत होना, फिर 2023 में, इस साल अभी बगावत होना, क्या कुछ पार्टी के अंदर खाने किसी नेता को दरकिनार किया गया, अहमियत नहीं दी गई, उस वजह से ऐसा हुआ है? मुझे नहीं लगता कि कोई अहमियत नहीं दी गई, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी गई, और बड़ी मुझे बड़ा खेद है ये कहते हुए, 83 साल के इंसान को आप उस समय पे छोड़ के जा रहे हो जब वो इस सिचुएशन में है, इस उम्र में है, आप अपने क्या फादर को भी छोड़ के जाते, सोचने वाली बात है। तो माँ बाप की तरह आपको उन्होंने हमेशा इतना बढ़ाया, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ दी, आप उन्हीं की वजह से आज यहाँ स्टैंड कर रहे हो, आज उनके साथ बगावत करते हुए शर्म आनी चाहिए। सोनिया जी, 2019 में आपने अहम भूमिका निभाई थी, 2019 से 2023 से ये कितनी परिस्थिति अलग आप देख रही हैं? कोई परिस्थिति अलग नहीं है, कुछ लोगों की ये ना जमीर की लड़ाई है, कुछ लोगों के जमीर जिंदा हैं, कुछ लोगों के मर चुके हैं, मुझे लगता है उन लोगों के जमीर मर चुके हैं। इस बार घर वापसी कराना मुश्किल होगा? कोई मुश्किल नहीं है, अगर उनके कहीं ना कहीं इंसानियत या जमीर बाकी है तो उनको आ जाना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये एनसीपी नेता सोनिया दुहान थी, इनका साफ तौर पे कहना था कि जिन लोगों के जमीर मर गए हैं वो लोग दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर लोगों में जमीर जिंदा होती तो वो पार्टी छोड़कर नहीं जाते। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ तुषार ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।